अब इसका मेन मुद्दा क्या है भाई, इस वाली को जो है ना, इस वाली को इसको थोड़ा आगे रखना है, इससे क्या है पतंग में कंट्रोल रहेगी। मतलब गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो, जो मर्जी कह सकते हो, क्योंकि भाई आज का अपना टॉपिक बड़ा खास होने वाला है। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज का टॉपिक बड़ा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि 15 अगस्त आ रही है भाई, तो कुछ बंदों को नहीं पता कन्ने वन्ने कैसे बांधते हैं, तो तुम्हारा भाई बताएगा आज कन्ने कैसे बांधते हैं। ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से कैसे, मतलब कौन सी नोट कहाँ बनती है, ये सब मतलब बहुत बंदों को डाउट रहता है कन्ने कैसे बनते हैं, तो मैं देता हूँ कन्ने कैसे बनते हैं। ये अपना पुराना स्टैश है, ठीक है, जिसने पहले पुराने स्टैश की वीडियो नहीं देखी ना पिछले साल की, शांत रहे ना, पुराने स्टैश की जिसने भाई वीडियो नहीं देखी, मैंने डाल रखी है इससे पहली वीडियो है वो, ठीक है, तो वो देख लो अपने। और ये अपना पूरा स्टैश रखा है, और पतंग अंदर रख रखी है, गट्टा वट्टा सब अंदर रखा, अभी लाना भी है। और ठीक है, ये देखो नंगे पुंगे वो, और भाई बढ़िया, अब ये देखो भाई क्या, बिना किसी देर के भाई शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है, कन्ने देखते हैं कैसे बांधते हैं, आ जाओ भाई। ये अपने हमने निकाली अपनी पहली पतंग, तिरंगा ही निकाली है, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब मैं इसमें बता दूँ, हवा बहुत ही चल रही है भाई, इसमें कैसे कन्ने बांधते हैं, ठीक है, तो पहले तो छेद कर लेते हैं भाई, इसमें नीचे रखे हो जाएंगे, नीचे रखे हो गए भाई, देख दिखाती हो भाई। और देखो भाई, दो तरफ छेद होते हैं, एक थोड़ा आगे होते हैं और थोड़े पीछे होते हैं, वो होते हैं हवा के अनुसार, ठीक है, और पतंग के अनुसार और हवा के अनुसार। अरे लिपट हो गई, तो एक बार मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़े से आगे और थोड़े से पीछे कर देता हूँ, देखो एक ये आगे, एक हाथ बराबर और एक थोड़े से पीछे, ठीक है, ये आगे, दो छेद थोड़ा पीछे, दो थोड़े से आगे और दो डायगोनल में होते हैं ऐसे ऐसे, मतलब ये आगे से दिखा भाई, तीर के ऐसे ऐसे डायगोनल में होते हैं भाई दो, ठीक है, तो वो बेसिक तो तुम्हें पता ही है भाई, बाकी तो सद्दी से बनता है, सद्दी से थोड़ा सही रहता है कन्ने बांधना, वरना मंजे से ना वो मंजा फोल्ड होता है तो वो बेकार होता है, तो मेरे पे सद्दी है नहीं, तो मैं मंजे से ही बांध के दिखाऊंगा भाई, ठीक है। ये भाई अपना ये रहा मंजा, मेरे पास है तो वैसे सद्दी जैसा ही मंजा, ये रील वाला सन्ना का पिछले साल का, ठीक है, तो इसे इतना ले लेना कि डबल होके इतना बड़ा हो जाए, देखो मैं तभी तोड़ के दिखाता हूँ, है तो ये वैसे सद्दी जैसा ही मंजा, इसे डबल कर लेना भाई ऐसे करके, ठीक है, ये तो बेसिक बात है, तो पता ही होगी वैसे तो, नोट वोट का मेन मुद्दा होता है कहाँ बांध रही है कहाँ नहीं बांध रही, आगे रखने पीछे रखने कहाँ रखने, ठीक है, तो ये हो गया भाई इतनी डबल, ठीक है, इतना बड़ा हो गया बाकी आ जाओ भाई। अब ये देखो भाई, यहाँ से घुसाना है, वहाँ से निकालना है, ठीक है, दिखा दे भाई जूम करके एकदम, ऊपर से भी कर सकते हो नीचे से भी कर सकते हो, इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है, मैं घुमा के यहीं गांठ बांधनी है तुम्हें, इतना क्या यार, फोन देखा पड़ता है, आईफोन की गिरी है। देखो भाई, ये बांध दिया मैंने यहाँ पे, अब मेन बात आती है आगे बांधने पीछे बांधने। आगे भाई हम कब बांधते हैं, जब हवा बहुत तेज चल रही हो, ठीक है, पतंग में कम हवा लगानी है, मतलब कम भारी करनी है, अब हवा जैसे अभी देखो बहुत तेज चल रही है, ठीक है, तो इसमें क्या है, पतंग, ये पतंग बड़ी हुई है, देखो मैंने बोला ना पतंग के हिसाब से और हवा के हिसाब से कन्ने बनते हैं, पतंग बड़ी हुई है, तो अगर आगे बांधे ना तो पतंग बहुत भारी हो जाएगी, कंट्रोल में नहीं रहेगी, ठीक है, ये होता है आगे का फ़ायदा, मतलब हवा तेज़ चल रही है और तुमने आगे बांधे तो पतंग को हवा कम लगेगी, ठीक है, मतलब हवा ज़्यादा तेज़ हवा में कंट्रोल रहेगी पतंग, ठीक है, और बाकी जो पीछे बांधते हैं तो पीछे मैं तो प्रेफर करूँगा भाई पीछे ही बांधो, ठीक है, ठीक है, ये देखो भाई मैं तो पीछे ही बांधता हूँ, आगे क्या है जब ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हो जैसे तब बांधते हैं, लेकिन अभी थोड़ी मीडियम ही हवा चल रही है, मैं तो ज़्यादा ऊपर बैठा हूँ इसलिए तेज़ हवा लग रही है, ठीक है, बाकी ये मैं पीछे ही बांधता हूँ भाई, ये भाई ये बंध गए अपने, ठीक है, मैंने पीछे बांधे हैं आगे नहीं बांधे। अब भाई मेन मुद्दा आता है इसका, देखो कन्ने ना तो इतने इतने छोटे बनते हैं और ना इतने बड़े बनते हैं, ठीक है, मीडियम बनते हैं ऐसे, इतना पतंग के हिसाब से इतना बांध दिया, ठीक है, अब ये गांठ कहाँ बांधनी होती है इसका मेन हिसाब होता है, बराबर रखनी है कि पीछे ज़्यादा रखनी है कि आगे ज़्यादा रखनी है, ठीक है, नीचे दिखा भाई, ये ठीक है, ये भाई ठीक है, अब ना कि ज़्यादा ऐसे बांध रहे हैं ना ज़्यादा ऐसे बांध रहे हैं, सेंटर में पकड़ के। अब इसका मेन मुद्दा क्या है भाई, इस वाली को जो है ना, इस वाली को इसको थोड़ा आगे रखना है, इससे क्या है पतंग में कंट्रोल रहेगी, मतलब जब तेज़ हवा चलेगी तो हमें क्या होता है पतंग को यूं घुमानी होती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ले जानी होती है, जब पेचे वेचे बढ़ाते हैं तो पतंग थोड़ी सी घूमती है ऐसे रखने पे, ऐसे रखने पे देख रहे हो, मतलब ये थोड़ी बड़ी होगी, मतलब ऐसे देखो यहाँ पे ये तीन उंगली आ रही है और यहाँ पे सिर्फ दो आ रही है, मतलब जो पीछे वाली नोट होगी ना ये लंबी होगी, समझ रहे हो, तो पीछे वाली नोट लंबी होगी, अगर तुमने ये पीछे वाली छोटी कर दी तो पतंग हो जाएगी बिल्कुल हल्की हल्की हो जाएगी, मतलब ऐसी ढीली ढीली रहेगी, और जो तुम्हारी जो डोर होगी वो ऐसी लटकी रहेगी, तो तुम्हारी 2 सेकंड नहीं लगेगी कटरे में, हमें रखनी है डोर टाइट, पतंग टाइट रखनी है, तो जो पीछे की नोट होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी, देखो ऐसे करके मैंने बोला ना, देखो ये थोड़ी आगे जा रही है ये थोड़ी पीछे जा रही है, तो जो पीछे की नोट होगी ये लंबी होगी ये छोटी होगी, ताकि अपनी पतंग गोल गोल घूमे
और मतलब हर डायरेक्शन में ले जा सके हम अपनी पतंग को, ठीक है। और इससे टाइट रहेगी पतंग हवा में, ऐसी जो डोर रहेगी अपनी वो टाइट रहेगी, ढीली सी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ऐसे बांधना है ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा नीचे ला के यहाँ पे ऐसे गांठ बांध देना भाई, बस। हाँ उड़ा नहीं उड़ा नहीं उड़ा नहीं उड़ा। ये भाई ये बन गया, देखो ये जा रहा है थोड़ा आगे और यहाँ से थोड़ा जा रहा है पीछे, ठीक है। तो भाई मतलब ये डोर लंबी होगी पीछे वाली, ये छोटी होगी। और ये भाई अपनी पतंग होगी तैयार एकदम तिरंगा। ये देखो, ये देखो ऐसी दिख रही है तुम्हें, घूम रही है पतंग, ये देखो। अरे अब नहीं घूमी, अभी घूम रही थी, मतलब भाई ऐसे में क्या है, हमें ना घुमानी होती है पतंग किसी भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ले जानी होती है पतंग। अभी मैं उड़ा के दिखाता हूँ तुम्हें। ये भाई कन्ने बंधने के बाद इसके थोड़े किल्ले विल्ले ही मोड़ लेना। अगर पतंग सीधी रहती है ना तो हवा में ऐसे ऐसे करके एकदम सीधे जाके यूं ही गिर जाती है। अगर किल्ला थोड़ा मुड़ा रहेगा ना तो हवा में यूं घूम जाएगा। रुक जा भाई, रुक जा पतंग झुलाने के चक्कर में। चलो भाई रुक दे। और ये जो हमारे थोड़े स्टूडेंट हैं पीछे खड़े होकर सीख रहे हैं हमसे, इन्हें भी मैंने राय दे दी है थोड़ी सी। अभी एकदम भाई इन्हीं की पतंग काट के दिखाता हूं। भाई ये देखो नया मांजा लेके आया, मोनोकाइट का प्लास्टिक वाला। मैंने कह रहा हूँ ना ऐसे बच्चे मानते नहीं, डीट होते हैं। गद्दारी कर रहे भाई, 500 रुपए का लेकर आया हूँ। 500 का ला चाहे 1000 का ला, भाई गलत काम तो गलत काम है। ये टाइट है पतंग, थोड़ा किल्ला टूट जाएगा इसका। तिरंगा है ना तो सतर रहता है, एंठ में रहता है थोड़ा। इंडिया के आवाज ही देखता नहीं है ना भाई, ढील पर रखना थोड़ी सी पतंग। ये देख लो भाई, ये देख लो गहरी हो गई पतंग। पिछले साल का मंजा ना, ये देखो ये ना सील गया ही मंजा, ये देखो कहीं से भी टूट जा रहा है वो पतंग, टूट के चली गई अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने दिखा दिया ना तुम्हें कितनी टाइट पतंग थी, घूम रही थी, अपना ऐसे करने वाला ना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो भाई अपना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे रखा है, वहाँ पे एक DM करके कुछ पूछ लो या कमेंट में ही पूछ लो, कहीं पे भी पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी के भी, मतलब पतंग में कैसी लेनी है या कन्ने वन्ने कैसे बांधने, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, इस चावल की पतंग सुर सुर कर रही है तो मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही, नहीं आ रही होगी, आ तो रही होगी वैसे, ठीक है। कोई भी डाउट हो पतंग के हिसाब से या मंजे के हिसाब से कैसे उड़ानी कैसे नहीं, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। बाय।